नमस्कार। आज तो सुबह से चल रहा है, जैसे ना लाइन लग गई है नोटिफिकेशन की। डेट 7 है लेकिन सभी 8 तारीख को सुबह सुबह हो रहे हैं, मतलब हर थोड़ी देर बाद एक नया नोटिस आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा, पहले ये आया था कि जो एक पब्लिक नोटिस आया था जिसका मैंने वीडियो आपको दे दिया, जिसमें उन्होंने बोला था कि चेंज कर दिया इन्होंने, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14 तारीख की है, राइट। ये नोटिस पहले दिन अभी भी दिखाई देने लगा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 8 तारीख से वेरीफाई करते हैं, अब कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेंगे, जिसकी लास्ट डेट है 14, ताकि ये लोग सिस्टम से चल सके। उसके बाद शेड्यूल आ गया था, वो हमने देख लिया, और अब दोबारा से ना इन्होंने क्या करा है, एक तरह से ब्रोशर दिया है। ब्रोशर में सबसे बड़ा चेंज, जी हाँ, तो ये लोग ध्यान से देखिए, जो लोग अभी तसल्ली से बैठे हुए थे, ऊपर से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। हम जानते हैं कि प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 6 हैं, गवर्नमेंट एडेड अग्रोवा है, 3 प्राइवेट हैं, बीडी शर्मा वाले, एक एसजीटी अल्फला, एक डेंटल कॉलेज है सरकारी, और प्राइवेट टोटल फिर से 7 है जो पीडीएम और एसजीटी में आता है, और 5 कॉलेज हैं जो हम जानते ही हैं कि एक फेमस डीएवी यमुनानगर का, एक फरीदाबाद का, एक यमुनानगर में 2 है, यमुना डेंटल भी है, एक सिरसा की तरफ है और एक बरवाला में है। दैट मीन्स पंचकूला के सारे कॉलेज अब प्रैक्टिकली बंद हो चुके हैं, जो मैंने आपको लास्ट ईयर भी कहा था कि धीरे धीरे अब सिर्फ 5 डेंटल कॉलेज बचे हैं हरियाणा में, जो 3 साल पहले 8 हुआ करते थे। तो हिमाचल पंचकूला साइड के सारे बंद हो गए हैं, ये बरवाला तरफ हो गया, सिरसा हो गया, 2 यमुनानगर में और एक फरीदाबाद में, और फिर एक पीडीएम यूनिवर्सिटी और एक अपना एसजीटी। ठीक है जी, मैं जल्दी लेके जा रहा हूँ आपको, कि इस ब्रोशर में जो काम की बात है, जो चेंज हो गई है। और वो ये है जनाब कि अग्रोहा जो अभी तक बॉन्ड से बाहर था, उसके अंदर भी बॉन्ड आ गया है। तो पहली चीज, 2020 और 21 बैच में डेफिनेटली नहीं आएगा वो, लेकिन 2022 बैच, ये सारी कहानी देखिए, वो जो ये प्राइवेट में हमेशा होता ही है कि भाई सरकारी अगर आप लेके छोड़ते हो तो क्या होगा। देने के बाद तो आफ्टर कमिसमेंट ऑफ, ये तो बड़ा फेमस है कि इसे बोलते हैं सीट लीविंग पॉलिसी। ओके, एनआरए के मैं बार बार कहता हूँ कि ये होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं जी हम जुगाड़ से कर देंगे, और मैं बार बार अपने वीडियोज में कह रहा हूँ कि किसी का जुगाड़ से पास हो जाए तो भाई मुझे जरूर बताना, बाद में बता देना, लेकिन इस कंडीशंस को बार बार देखो, ठीक है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, बैंक गारंटी है, श्योरिटी बॉन्ड एनआरआई का फी स्ट्रक्चर हमें मालूम ही है कि बढ़ चुका है। बॉन्ड देखिए ये आ गया सबसे वो, और जो पहले नहीं था, क्योंकि अग्रसेन की फीस महंगी है ना, तो 32,80,000 का, दैट मीन्स सरकार जो एड देती थी वो सरकार ने प्रैक्टिकली खत्म कर दी। अग्रोहा में भी अब आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, तो सिर्फ ईएसआई है जो कि इससे बाहर है अभी भी। अब ये भी मैं एक्चुअली दोबारा देख रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तो ईएसआई भी है, राइट, जो उन्होंने ऊपर लिस्ट बनाई है कि लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन हरियाणा, उसमें देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ईएसआई का नाम है। तो ईएसआई को पहले यही फायदा था कि चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो वो बचा हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट एड और उन्होंने लिख दिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जो मेरे को कंफ्यूजन है अभी, जो हमें फोन करके पता करना चाहिए, या आज जब आप उसके लिए जा रहे हो, कि शायद ये बॉन्ड कोई ईएसआई का ना एक नेशनल बॉन्ड चलता है, जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें ईएसआई के अलग रिजर्वेशन होते हैं, और बाहर के बच्चे भी ईएसआई में पढ़ने आते हैं, राइट, जो ईएसआई से बिलोंग करते हैं। ऑल इंडिया कोटा तो होता ही है, लेकिन जब ये बार बार बॉन्ड पॉलिसी जिक्र कर रहे हैं ना, तो ये बॉन्ड पॉलिसी हर बच्चे पे लागू है जो ये कॉलेज में पढ़ रहा है, राइट, वो चाहे ईएसआई कोटे का हो, जो ऑफिशियली बहुत गरीब इंसान होता है, तभी तो ईएसआई में होता है। और ऑल इंडिया कोटा से ईएसआई के बहुत बच्चे आते थे, 15% ऑल इंडिया कोटा था, और बाकी बच्चे सीटें थे, उसमें हम जानते हैं कि ईएसआई कोटा अलग होता था, जो ऑल इंडिया होता है, बाकी स्टेट कोटा था। तो क्योंकि लास्ट ईयर तक ना, या पुराने ब्रोशर में ना, ये ईएसआई को अलग से दिखाते थे,
अगर ये ऐसा दिखा रहे हैं तो मेरे को बस डाउट दीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ASI में भी आ गया है। मेरे बात को क्योंकि ये जो भी इन्होंने दिखाया ना, फिलहाल तो उम्मीद कमी है क्योंकि इसमें ना ESI में वो 2,000 रुपये मांगते हैं, क्योंकि ESI की फीस भी अलग चलती है, तो बाकी कॉलेज की तरह 80,000 रुपये नहीं चलती। तो एक बार ट्यूशन फी को देखते हैं, उससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि ट्यूशन फी अगर सबकी स्टैंडर्ड है तो समझ लो ESI आ गया, वरना ESI नहीं आया। जो इनका वो ट्यूशन फी का कॉलम होता है ना कि इस कॉलेज की इतनी फीस है, ये वो दुनिया भर के बॉन्ड्स हैं जो उन्होंने डाल दिए हैं, लेकर आओ। अब ये देखो MBBS इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये ट्यूशन फी है 60,000 प्लस एग्रीमेंट, टोटल मिला के 80,000 बैठा, अग्रोहा है। अब इसमें आप देखिए ESI इसके अंदर नहीं आता, बिकॉज हम सब जानते हैं कि ESI की फीस अलग होती है, राइट? क्योंकि तो वहां पर वो ESI की फीस लगती है 26,000 भी लगती है, लाख रुपए भी लगती है, और ESI की पूरी इंडिया में फीस स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि तो कहीं पर ना ये ESI के अलग से फीस दिखाई नहीं रहे हैं, और ये बार बार आ गया, लोन अमाउंट आ रहा है और ये आ रहा है। और मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ESI को भी इन्होंने इसके अंदर घुसा दिया है। ये प्राइवेट कॉलेज तो हो ही गए जो हम जानते थे, ये रोहतक हो गए, क्योंकि ESI का कहीं पर भी यहाँ अलग से नहीं आ रहा है। धरती मैं वही कह रहा हूँ कि ESI इसका पार्ट डिटली नहीं माना जाता। नहीं, अलग अलग है, देखिए ESI उन्होंने फिर भी रूल अलग बनाया कि ESI का रूल अलग चल रहा है, ESI का फीस वगैरह भी अलग है। तो अगर ये केस है तो अपन देख लेते हैं कि ESI में इनका ये लागू नहीं होगा। तो ESI का पूरा सिस्टम ही देखिए अलग चलता है ना, उसकी फीस भी अलग है, उसकी फीस तो लाख रुपए साल की होती है, इस क्वेश्चन में वो फीस है भी नहीं। वॉलंटियर कोटा में जब हम भर रहे हैं तो भी हमको फीस का आइडिया हो जाएगा। हाँ, मतलब 1 लाख पर ईयर डेली इनकी फीस होती है। जैसे मैंने कहा कि IP कोटा में तो खाली 24,000 रुपये पड़ती है। देखिए स्टैंडर्ड है तो इसके हिसाब से तो लग रहा है कि ASI फिलहाल इस बॉन्ड के बाहर है, लेकिन बाकी जगह आ गया है जी। तो अग्रोहा में भी आ गया है, तो अग्रोहा का जो 2020 और 21 से बेनिफिट था कि अग्रोहा में बॉन्ड लागू नहीं था, तो वो भी आ गया है। तो बच्चों साहब से देखिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको क्या करना है, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। किसी को हमारी सलाह चाहिए, हमारी एडवाइस चाहिए, कॉल ऑन 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।